खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। उत्तर प्रदेश में अन्ना जानवर एक बड़ी समस्या है, लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई तब से तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। तभी तो सरकार ने साल 2019-20 की बजट में गौ कल्याण के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिसमें ग्रामीण इलाकों में गौशाला के रखरखाव और निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्र में कान्हा गौशाला और आवारा पशु आश्रय योजना में 200 करोड़ रुपए और आवारा पशु की देखरेख के लिए 165 करोड़ रुपए शामिल हैं। लेकिन ये योजना शुरू होते ही गिरती नजर आ रही है। जिला चित्रकोट ब्लॉक मानिकपुर का ये शहर के सिरुआ है। यहाँ पे लगभग 3 महीने से गौशाला बना हुआ था। यहाँ पे गौशाला नाम खातिर बस बना है यहाँ पे न। यहाँ पे लगभग यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 300 गोरु यहाँ पे गायें बंदी थी यहाँ पे। इस कारण से इनकी मौत हुई है कि यहाँ पे ना पानी की कोई सुविधा है, ना इनको एक महीना से चारा दिया गया। इस कारण से काफी गायें मर चुकी हैं। जब एक एक दो दो गाय मर रही थी तो कोई कुछ नहीं हुआ। जब 10 गाय इकट्ठा मारी तो उसका तो पोस्टमार्टम हुआ है। जो और यहाँ पे इधर उधर पड़े इनका कोई कुछ ख्याल नहीं है, वो ऐसे पड़े के पड़े हैं। 300 मूला शुरू में रखे गए हैं, इधर जाए बेड़े गए हैं 300 मूला तक। छोटे बड्डे से बछड़ी से लेके बछवा से लेके 300 मूला बेड़े गए हैं। ये कौन रखवाया था? ये रखवा है ग्राम सभा के सब लोग, बाग किसान लोग रखवाता है, अपर धान और सचू इधर का गौशाला बनवाया था। तो जो गौशाला बना था ये बस पट्टी बस है बांस की, तो इसमें क्या गोरु जानवर सुरक्षित थे? नहीं सुरक्षित नहीं, मर गए। भूखों को मारे शुरू में तो बढ़िया दिया, एक महीना चारा पैरा दिया और सब खिलाया। अभी आज एक महीने से हो रहा है कोई ढंग से चारा पाया। सरसों का भूसा भी आता रहा, जय साहब पद में आया है तब फिर कल चाहे जहाँ से भूसा ला रहे हो 6-7 झाल लाके डलाने। साहब जाए बीडीओ साहब एडीएम साहब सब कर से आए, सब फिर डलाने तो खवाने दिखाने। अरे सरसों का भूसा खवाते रहे सरसों की सोसाइटी। तो सिर्फ तो उनको पेट भर खाना नहीं मिलता था, ना पानी की कोई व्यवस्था है। केवल खाने को उनको 5 दिन से नहीं मिला, एक दिन का मुश्किल आभार पर जाते खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे आदमी सुबह तक। तब 5 दिन उपास गाय में भेड़े रहा और 7-8 मवेशी मरे पा रहे हैं 3 दिन के अंदर अंदर के। होली के पहले पहले मर गए हैं और वो करत रहो की आज नहीं जाती है, तो आप गाय चिल्लाती है मर रही है गाय गंदगी मार देख देख। हटवाया गया? हाँ फिर कल हटवाए जब सब कदम इनका हो गए प्रधान के न सचिव के और न बीडीओ साहब के, तब फिर हटवाए नहीं। कल कितने मर चुके हैं? करीब छोटे बड़े से सब स्वभाव से मर गए हैं। कि चारा भूसा पेट भर दो तब पेट भर दाना पावे पानी पावत है, खाए तो जी आए। जब नहीं पाते हैं सभी अधिकारिन के सब मजदूरी है कि पेट भर देंगे तो खाएंगे, ना देंगे तो का आदमी ना खाना पानी पाए तो वहाँ मर जाए। अब दो दुई चाटे रोज मरते गिरते हैं। जब गाय मर गई है तब शासन प्रशासन आया। जब गाय मरे लगी उसमें एक बात ही जिसे 100 मुड़ा है उसमें आधे मर गए आधे बांचे। मर लगी कि अब कम भी बांचे हैं, तब भी साहब सुबह इधर आए हैं कल। इस गौशाला में सिर्फ ये और ये दो जानवर हैं, बाकी जो जानवर हैं ये व्यक्ति विशेष के हैं, गांव के व्यक्तियों के, बाकी जानवर दराई में। तो सर क्या कारण है इन लोगों का बीमार होना? ये जानवर बीमारी से हो गए हैं, गर्मी भी लगी है यहाँ पर देख रहे हैं इस हिसाब से बीमार हुआ है। अब ये तो जिसने पोस्टमार्टम किया है पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में पता चलेगा, ये तो फिलहाल बीमार है। कल जानकारी मिली थी हमें 7-8 गाय वहाँ पे खत्म हुई है, जो बाहर में वहाँ पे 3.5-4 बजे वहाँ पे गया था, वहाँ चौकीदार था उसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि यहाँ पे 4-5 दिनों से गाय के लिए भूसा या जो भी चारा है वो नहीं आया था। और प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि उनको चारा वगैरह न मिलने से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन डॉक्टरों की टीम
कल रात में उनका पोस्टमार्टम कराया गया है जनरल द्वारा, उनकी रिपोर्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा कि मृत्यु किस तरह कैसे हुई है, तो रिपोर्ट के आधार पर ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। तो सर इसका नियम क्या है कि हर गांव गांव गौशाला बनाया गया था, सरकार ने काफी बजट भी पेश किया, काफी खर्चा भी हुआ। नहीं, इसमें है ना 30 रुपए प्रति पशु के दर से दिए जाने का सरकार ने प्रावधान किया है, जो भी पशु उसमें रहेंगे उनको जीवन यापन चारा भूसा जो भी उनको डेली यूज की चीजें हैं उनको देने के 30 रुपए प्रति पशु निर्धारित है। 30 रुपए उसका जो पहले पैसा उनको इसके पूर्व भी भेजा गया है, अगर कम पैसा पड़ता है तो उसका एक पूरा मांग पत्र देंगे कि इतने और पैसे की जरूरत है आपको भी पैसा उपलब्ध कराएंगे। सरकार योगी मोदी जी का तो कहना है कि गौ माता के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चा होता है, क्या गौ की यही सेवा होती है? हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।